की व्हेकल मध्ये आयसी इंजिन असतात. आयसी इंजिन म्हणजे काय? इंटरनल कंबशन इंजिन, म्हणजे इंजिनच्या आतमध्ये कंबशन चेंबर मध्ये, कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये तुमचं कंबशन तयार होईल त्याला आपण इंटरनल कंबशन इंजिन म्हणतो, म्हणजे आयसी इंजिन, इंटरनल कंबशन इंजिन. ओके, तर इंटरनल कंबशन इंजिन मध्ये तुम्ही जर का वर्कआउट जर केलं, ओके, तर त्या इंजिनच्या पार्ट आणि त्याच्या डिटेल्स वरती आज आपण डिस्कशन करणार आहोत. म्हणजे इंजिनचे कुठले कुठले पार्ट असतात, त्याचे काय 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 डिटेल्स आहेत, त्यानुसार मग आपण आज स्टडी करणार आहोत त्याचा. ओके, व्हेकल्स इंजिन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेकलचे कॉम्पोनंट्स कुठले कुठले, म्हणजे आपण जर का म्हटलं व्हेकल, तर व्हेकल मध्ये कुठले कुठले कॉम्पोनंट्स असतात? तिथे मेन पार्ट इंजिन, त्यानंतर बॅटरी, ट्रान्समिशन, ते तुमचं ड्राईव्ह शाफ्ट, कॅटलिटिकल कन्व्हर्टर, मफलर, एक्झॉस्ट पाईप, म्हणजे हे इंजिन झालं, ते तुमचं बॅटरीवरनं स्टार्टर वगैरे ते चालू होतं. ओके, आणि दुसरं जे काय आहे हे कॅटलिटिक कन्व्हर्टर, मफलर, हा तुमचा एक्झॉस्टचा पार्ट झाला, म्हणजे एक्झॉस्ट इयर आउट जी होती त्याचा. हे फ्युल टँक, म्हणजे फ्युल टँक मधनं इथं पंप आहे, पंप मधनं तुम्हाला इंजिनला फ्युल पुरवलं जातं. मग ते पेट्रोल इंजिन जरी असेल तर पेट्रोल पुरवलं जाणार, डिझेल इंजिन जर असेल तर डिझेल येणार. शॉक ऑब्झर्व म्हणजे सस्पेन्शन सिस्टीम आणि ब्रेकिंग, फ्रंटला पण ब्रेकिंग असतं, मेकॅनिकल चालू आहे फक्त तसं, रिअर गाड्यांचं कंपोनंट. ओके, ठीक आहे, बरोबर. याला बोलतात मफलर. ओके, तर फ्युल टँक, शॉक ऑब्झर्व, ब्रेक, एक्झॉस्ट पाईप, मफलर, कॅटलिक कन्व्हर्टर, ऍक्सल, ट्रान्समिशन, बॅटरी आणि इंजिन. ट्रान्समिशन म्हणजे काय? आपला जो गिअर बॉक्स असतो तो, तिथनं आपण गिअर टाकतो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रिव्हर्स, त्याला आपण ट्रान्समिशन सिस्टीम म्हणतो. ऍक्सल म्हणजे हा ड्राईव्ह शाफ्ट झाला. ड्राईव्ह म्हणजे काय? की जो चालवतोय, व्हेकल चालवतोय त्याला आपण ड्राईव्ह. रिअर व्हील ड्राईव्ह जर का असेल, जर का गाडी, गाडी ही फ्रंट व्हील ड्राईव्ह असते कार, पण ट्रकला काय असतं? रिअर व्हील ड्राईव्ह असतं. त्यावेळेस काय असेल? इथं ट्रान्समिशन असेल, ट्रान्समिशन मधनं एक्सल जातो मागे, त्याला आपण डिफरन्शियल म्हणतो. ट्रकला वगैरे तुम्ही पाहिलं असेल की डिफरन्शियल असतो मागच्या साईडला, म्हणजे इंजिन पुढे असतं, पुढच्या इंजिन मधनं ट्रान्समिशन, ट्रान्समिशन मधनं सरळ एक मागे एक शाफ्ट जातो. ओके, तो ड्राईव्ह शाफ्ट म्हणजे ऍक्सल, आणि मागे डिफरन्शियल वरनं दोन्ही चाकांना पॉवर दिली जाते, म्हणजे त्याला रिअर व्हील ड्राईव्ह, म्हणजे मागच्या व्हील वरती ड्राईव्ह अटॅच असतो, त्याला फ्रंट व्हील ड्राईव्ह, कारण पुढच्या व्हीलला ड्राईव्ह शाफ्ट अटॅच आहे. ड्राईव्ह शाफ्ट म्हणजे हा ऍक्सल, ऍक्सल ड्राईव्ह शाफ्ट अटॅच इन फ्रंट व्हील. तर हे दोन कॉम्पोनंट झाले, म्हणजे फ्रंट व्हीलला जर का ड्राईव्ह जर का असेल तर त्याला आपण फ्रंट व्हील ड्राईव्ह सिस्टीम म्हणतो व्हेकल, आणि रिअर व्हीलला जर का असेल तर रिअर व्हील ड्राईव्ह सिस्टीम. ओके, असं फ्रंट व्हील आणि रिअर व्हील ड्राईव्ह सिस्टीम आले. ओके, देन नेक्स्ट व्हेकल कॉम्पोनंट इन डिटेल्स. इन दिस फोटो वी हॅव टू इन डिटेल्स description about the component. First slide, in first slide it is only a engine, but engine is air filter, then alternator, then steering wheel. This is a description in this slide is in detail view. Kya hota hai, aiku yet nahi ka Kalpesh? माझा आवाज येत नाही का कुणाला? येतोय सर. मग मेसेज आलाय मला मदत की आवाज नाही येत आहे. क्लिअर येत नाही सर, थोडा हळूच येतोय. थोड स्लो येतोय का? एक मिनिट, मी फॅन बंद करून परत चालू करतो. ओके,
ओके ठीक है. फर्स्टली इन दिस इमेज यू सी इंजिन बैटरी ट्रांसमिशन एक्सल कैटालिटिक कन्वर्टर मफलर एग्जॉस्ट पाइप ब्रेक शॉक ऑब्जर्वर एंड फ्यूल टैंक. इट इज अ not in detail view of vehicle components. It's only overview of your vehicle components. It is not in detail view. These are the overview of vehicle. Okay. But in next, in this slide, it's a detail view of your vehicle component. Okay. In this vehicle, this is a rear wheel drive vehicle. It's a rear wheel drive vehicle because transmission is at rear wheel. Transmission is on rear wheel. That's why it's a rear wheel vehicle. Some of vehicle, imported car, are also rear wheel drive. Okay. Within India manufacturing, the car is only front wheel drive. But if it is imported car, then it may be a rear wheel transmission. That's why in this vehicle, its red region is a transmission, and transmission is attached with the rear wheel. That's why it's a rear wheel drive system. Okay, then steering wheel, rear wheel mirror, it's a front side rear wheel mirror, window frame. Okay, then oil filter is here, disc brake, body side molding. This is the body side molding part, means a body part. Okay, muffler, line shaft. Then spare wheel means stepney, tail light, tank, trunk. Trunk means a space for your luggage. Okay, wheel, air filter, battery, alternator, distributor. Distributor, why distributor is required? Distributor is a divided your spark. Distributor is divided your spark ignition, means if it is a four cylinder engine, then when first cylinder is ignited, when second cylinder is ignited, when third cylinder is ignited, that is a distributor is a working on same and give a ignition for all four engines. Okay, simultaneously means at the same time four cylinder is not ignited, first then third then fourth then second, like that. Distributor is to distribute the current to ignite the engine. Okay, that's why distributor is required for the exact sequence of your engine ignition. Okay, distributor is divided the current for the spark plug. Okay, this is a detailed view of your vehicle component. Then next, description of IC engine part, means what are the main part of engine. This is a IC engine pictorial view. It's only drawn, it's a diagram view, not in a sectional or that like view. It's only diagrammatically view. Okay, cylinder block, cylinder head, piston, piston ring, gudgeon pin, connecting rod, crankshaft, engine bearing, flywheel, spark plug, engine valves, valve mechanism, cooling fins, carburetor, crankcase, inlet manifold, and exhaust manifold. Okay, these are the part of your IC engine. Okay, these are the part for IC engine. Okay, first maine ye red karke rakha hai, spark plug, cooling fins and carburetor. Why these are the red? Because this part, first spark plug, cooling fins and carburetor, may be vary means spark plug is only available in IC engine for a petrol engine.
For petrol engines, spark plug is available. If it is diesel engine, then spark plug is not available, because diesel engine is a compression ignition engine, CI engine, compressor ignition engine. It's a CI engine, and petrol engine is a SI engine. Why it is a SI engine? Is spark ignition engine. That's why petrol engine is a SI engine and diesel engine is a CI engine. That's why spark plug I make it is a in a red, because spark plug may be present or may not be present. If it is a petrol engine, then 100% spark plug is there. Without spark plug, petrol engine is not working. Okay. If there is a spark plug, then it is a petrol engine. Okay. ये ध्यान में रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर स्पार्क प्लग है तो वो पेट्रोल इंजन है. आपको डायग्रामेटिकली भी आएगा एमसीक्यू में कि विदाउट स्पार्क प्लग वाला एक इंजन आएगा और आपको बताया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीजल इंजन, तो आप कैसे पहचानोगे. तो स्पार्क प्लग अगर अवेलेबल है तो वो पेट्रोल इंजन है, स्पार्क प्लग अगर अवेलेबल नहीं है तो इट इज अ डीजल इंजन. सेकेंडरी कूलिंग फिन्स, कूलिंग फिन्स आर ओनली अवेलेबल इन टू व्हीलर इंजन. टू व्हीलर के इंजन के अंदर ही कूलिंग फिन्स है. उसमें भी अभी अगर आप 350 के ऊपर सीसी में जाते हो तो उसमें भी ऑयल कूल सिस्टम अवेलेबल है. बजाज के भी गाड़ी में ऑयल कूल सिस्टम अवेलेबल है, बजाज टू व्हीलर में भी, और अभी जो जावा की आई है एसडी जावा, उसमें भी कूलिंग के लिए ऑयल कूल्ड सिस्टम अवेलेबल है. कूलिंग फिन्स ओनली यूज फॉर स्मॉल इंजिन. ओके, इफ डीजल इंजिन और डीजल इंजन में तो 100% आपको कूलिंग चैम्बर से मिलेंगे, कूलिंग चैम्बर में ही वो वर्कआउट हो जाएगा. ओके, तो इसलिए मैंने कूलिंग फिन्स को भी रेड करके रखा है, क्योंकि कूलिंग फिन्स इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. ओके, मतलब वो अवेलेबल होंगे या नहीं भी रहेंगे. नेक्स्ट आता है कार्बोरेटर. कार्बोरेटर इज ऑल्सो अवेलेबल इन ओनली पेट्रोल इंजिन. डीजल इंजिन में कार्बोरेटर नहीं रहेगा. डीजल इंजिन में क्या रहेगा? फ्यूल इंजेक्टर रहेगा. व्हाट इज द फ्यूल इंजेक्टर? फ्यूल इंजेक्टर से डायरेक्टली फ्यूल इंजेक्ट होगा, और डायरेक्टली फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद वो चेंबर में, मतलब ये सिलेंडर में ही डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्ट होगा. ओके, बाय यूजिंग फ्यूल इंजेक्टर. ओके, अभी मारुति के व्हीकल के ऊपर आपने लिखा रहेगा, लिखा पड़ा रहेगा MPFI, मतलब मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर. ओके, फोर व्हीलर में अगर आप जाओगे अभी तो कार्बोरेटर रिमूव कर दिया है और फ्यूल इंजेक्टर ही यूज होता है. MPFI सिस्टम मतलब मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर. ओके, जस्ट लाइक, तो कार्बोरेटर भी अभी व्हीकल का पार्ट नहीं है. अगर आप बाहर स्टेट BS6 में जाओगे तो टू व्हीलर में भी कार्बोरेटर रिमूव कर दिया है, डायरेक्ट FI सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम यूज है. इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों को मैंने रेड से मार्क किया है, क्योंकि ये अवेलेबल होंगे और नहीं भी होंगे. इसमें आईसी इंजन में, आईसी इंजन मींस इंटरनल कंबशन इंजन. ओके, इंटरनल कंबशन इंजन मींस आईसी इंजन. ओके, अभी देखो, आप अगर डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा. ये है आपका पूरा क्रैंकेस, ये सिलेंडर ब्लॉक पूरा जिसमें सिलेंडर है, पिस्टन, गजन पिन, एक कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक पिन है जहाँ पे क्रैंक के ऊपर है, ये क्रैंक शाफ्ट है जो सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा. मतलब दिस रेसिप्रोकेटिंग मोशन कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशन. ओके, ये जो रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ रहेगा. यहाँ पे देखो, ये फ्यूल है और ये एयर है, दोनों का मिक्सचर होता है. यहाँ पे कार्बोरेटर है. फ्यूल और एयर का मिक्सचर आपको इनलेट मैनिफोल्ड और थ्रू अंदर आता है. ये इनलेट वॉल है. ओके, यहाँ पे आपका पार्क इग्नाइट होगा, फिर यहाँ पे इसका कंबशन होगा. कंबशन होने के बाद एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा जिसके कारण पिस्टन नीचे जाएगा. पिस्टन नीचे जाएगा, फिर से ये ड्यू टू दिस रोटेटिंग मोशन फिर से ऊपर आएगा. ऊपर आते टाइम यहाँ से ये वाल ओपन होके एग्जॉस्ट हो जाएगा. ओके, दीज आर द वर्किंग ऑफ योर आईसी इंजन. ओके, अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एक 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 पार्ट का. ओके, दिस इज अ फोर सिलेंडर इंजन. ओके, फोर सिलेंडर इंजन. फोर सिलेंडर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फोर, ये
एक दो तीन चार, चार बोर हैं इसलिए फोर सिलेंडर इंजन। ये रहेगा आपका सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर आपका आता है ये सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड इसके ऊपर माउंट होता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए आपके इनलेट के मैनिफोल्ड के होल। यहाँ से इनलेट आएगा, यहाँ पे इनलेट वॉल बैठेगा, वो वाला ऊपर क्लोजिंग के लिए वॉल बैठेगा, और यहाँ पे एग्जिस्ट के लिए रहेगा। ये एग्जिस्ट के मैनिफोल्ड के होल है, यहाँ इसके ऊपर एग्जिस्ट मैनिफोल्ड आपका अटैच होगा। ओके, तो वहां पे आपका एग्जिस्ट मैनिफोल्ड अटैच किया जाएगा, यहाँ से इनलेट रहेगा। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड। नेक्स्ट ये देखो पिस्टन, पिस्टन रिंग वजन प्लेन, ये रहेगा आपका पिस्टन। ये पिस्टन रिंग्स ये जो रहते हैं ऑयल रिंग कंप्रेशन रिंग्स, ये पिस्टन रिंग इसके ऊपर अटैच रहते हैं। अरे गजन पिन, गजन पिन मतलब क्या कि जो इसको इसके अंदर घुस के इसको और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्टेड रखती है, इसको बोलते हैं गजन पिन। ओके, पिस्टन का बाद में। नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट और इंजन बेरिंग। ओके, कनेक्टिंग रॉड एक रहता है, क्रैंकशाफ्ट एक रहता है, और बेरिंग्स, बेरिंग देखो ये रहते हैं बेरिंग, एक दो तीन ये बेरिंग्स है। ओके, ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर रहते हैं। इंजन के बेरिंग मतलब क्रैंकशाफ्ट के लिए जो बेरिंग्स यूज होता है उसको इंजन बेरिंग बोलते हैं। तो ये 1 2 3 ये बेरिंग्स हो गए। ओके, क्रैंकशाफ्ट कौन सा, ये पूरा जो है बीच वाला ये शाफ्ट है, इसको क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं, ये भी इसके इसमें इंक्लूडेड है। ये डबल सिलेंडर इंजन है, टू कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड 1 कनेक्टिंग रॉड 2। ये कनेक्टिंग रॉड का ऊपर का जो पार्ट है वो हमारे जाता है किसमें, गजन पिन में कनेक्टेड होके पिस्टन को कनेक्टेड रहता है। ओके, दिस इज अ देन फ्लाईव्हील, स्पार्क प्लग और इंजन वॉल्स। ये इंजन वॉल्स है आपके। ओके, ये इंजन वॉल्स रहेंगे। देन यहाँ पे ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील क्यों यूज होता है, क्योंकि फ्लाईव्हील इसके लिए रहता है कि इंजन को ड्राइव देते टाइम जो हेवी ड्यूटी ड्राइव लगता है और जो बैलेंसिंग रहता है उसके लिए फ्लाईव्हील यूज होता है। दिस इज द फ्लाईव्हील। आपने देखा भी रहेगा कोई इंजन, अगर आपने देखा है ओपन इंजन तो आपने देखा रहेगा फ्लाईव्हील वन साइड रहता है, और अगर एकदम सिंपल में करने का रहेगा इसका आपको, तो देखो जहां पे स्टार्टर मोटर रहता है वो स्टार्टर मोटर यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, और स्टार्टर मोटर का जो भी स्टार्टर गियर है वो फ्लाईव्हील को कनेक्ट करके ही हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्टर मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला पार्ट है ये फ्लाईव्हील। ओके, देन स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग तो हर एक ने देखा रहेगा, दिस इज अ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में दो ये रहते हैं। यशवंत, why your bhakti, okay, spark plug, spark plug mein kya spark plug hai, two electrode positive aur negative, aur yahan pe jo ye spark plug mein kya hota hai, ye jo high current yahan se aata hai engine through kar raha hai, okay, wo connect through, जब आपको वो हाई करंट आ जाता है तो हाई करंट आने के बाद ये पॉजिटिव निगेटिव अटैच होता है, यहाँ पे एक स्पार्क होता है। ओके, उस इसलिए इसको स्पार्क प्लग बोलते हैं, और उस स्पार्किंग का जो भी टेम्परेचर है वो है वेरी हाई टेम्परेचर पे वो स्पार्क होता है। ओके, ये रहते हैं इंजन वॉल, दिस इज द इंजन वॉल। ओके, फ्लाई व्हील, स्पार्क प्लग, इंजन वॉल, ये इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ओके, इनलेट के लिए मैनिफोल्ड, फोर सिलेंडर इंजन था वो इसलिए फोर सिलेंडर का 1 2 3 4 यहाँ पे इनलेट होगा, और यहाँ से 1 2 3 4 ये फोर लेके आउटलेट, इसके बाद आपका मफलर और एग्जॉस्ट सिस्टम आ जाता है, इसको कनेक्टेड मफलर, देन आगे का एग्जॉस्ट सिस्टम आएगा, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह वो सब। ओके, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ओके, अभी इंजन के पार्ट्स एक ही इसमें हम लोगों को देखने का रहेगा, तो दिस इज द इंजन पार्ट्स। ओके, ये इंजन के पार्ट्स है, वन पिक्चरिकल व्यू में यहाँ पे दिखाया है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूटर ओ रिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करती है, यहाँ पे सिलेंडर हेड, देन ऑयल पैन गैसकेट, देन ऑयल पैन ड्रेन बोल्ट, ऑयल पैन इंजन ब्लॉक। ओके,
कैमशाफ्ट पुली, ऑयल फिल्टर, वाटर पंप, गैसकेट मैनिफ्लेट के लिए, ओके, एग्जॉस्ट मैनिफ्लेट, ये इनलेट का मैनिफ्लेट, एग्जॉस्ट का मैनिफ्लेट, मैंने सेम फोटो आपको दिखाया ऊपर के स्लाइड में, इनलेट मैनिफ्लेट, एग्जॉस्ट मैनिफ्लेट, ओके, सिलेंडर हेड, ओके, ये गैसकेट रहता है ऊपर का, सिलेंडर हेड का गैसकेट, ओके, अभी देखो टोटल नंबर ऑफ गैसकेट, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गैसकेट आर यूज फॉर इंजन असेंबली, ओके, ये ऑयल पैन जिसमें ऑयल रहता है पूरा इंजन ऑयल, और ये ड्रेनेज बोल्ट है, मतलब ऑयल अगर खराब हो गया तो ये बोल्ट निकल के हम लोग इसको रिमूव करते हैं और ऊपर से फ्रेश ऑयल डालते हैं इंजन में, ओके, ठीक है, ऑयल खराब हुआ तो आपने टू व्हीलर अगर सर्विसिंग का देखा रहेगा एनी टाइम तो आपको मालूम है कि नीचे साइड में एकदम छोटा बोल्ट रहता है, वो बोल्ट खोल के उसमें से ऑयल निकलते हैं, ऑयल निकलने के बाद नया फ्रेश ऑयल हम लोग ऊपर से इंजन में डाल देते हैं, ठीक है, तो दीज आर द इंजन पार्ट्स। नेक्स्ट, अभी फोर व्हील का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन कैसे कनेक्टेड होता है इसका एक वीडियो है छोटा, तो हम लोग एक बार करेंगे, प्ले करेंगे। ये इनलेट वाले है, देखो इनलेट यहाँ से एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट रेड कलर में दिखाया, इनलेट ब्लू कलर में दिखाया, ओके, इंजन ब्लॉक, इंजन हेड ऊपर रहता है उसके, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे स्पार्क प्लग, देन फ्यूल इंजेक्टर 1, 2, 3, 4 मींस दिस इंजन डज नॉट कंटेन द कार्बोरेटर, कार्बोरेटर अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर आपको फ्यूल इंजेक्ट कर देगा, एक कैमशाफ्ट, ये इंजन का इनलेट वाल ओपन है और नीचे आके वो पूरा इंजन में ये इंटेक स्ट्रोक हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ऊपर गया,
This is a V-type engine. Okay, this is the part for your IC engine. Okay, these are the part for the IC engine. In next lecture, we go for the electric vehicle and what are the types of electric vehicle, what are the electric vehicle parts, how electric vehicle are working. Okay, this is in next lecture. Next lecture, we have electric vehicle. Okay, thank you. Thank you so much for attending this lecture. Any